सबसे ज़्यादा वेडिंग सॉन्ग्स अगर देखा जाए तो कोई सिंगर है तो वो मैंने ही गाए, मगर मैं पहले डुएट सॉन्ग्स करती थी। इस दफ़ा मैंने ये फैसला किया कि मैं किसी के साथ डुएट नहीं करूँगी, स्पेशली किसी मेल सिंगर के साथ, तो मैं अपना सोलो सॉन्ग जो है वो गाया करूँगी। तो जब मेरे साथ कोई भी गाना गाता था तो उनके गाने मिलियंस पे चले जाते थे, तो मैंने कहा वाई नॉट आई ट्राई माई ओन, वाई मैं उनके चैनल्स पर या उन लोगों को इतनी मार्केट देती हूँ, तो मैं अपने लिए ख़ुद क्यों ना अपने प्लेटफॉर्म पर गाऊँ। तो इस तरह बस दिमाग में ये चीज़ें चलती रही। तो मुझे बहुत सारी कॉम्पोजिशंस लोगों ने सुनाई, जिसमें से जब किट्टू ने मुझे अपनी कॉम्पोजिशन सुनाई तो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उसकी लाइंस बहुत डिफरेंट थी, इसका योंड्रा जो था मुझे लगा बहुत ट्रेंडिंग है कि जब आएगा तो हर शादी पे इसके बोल बजेंगे। जैसे एक लाइन मुझे बहुत पसंद है कि परफ्यूम लाया है कि लाया उन्हें सेंट, रुको एक मिनट हूँ साड़ी वाड़ी आ गई। तो मुझे इस तरह की बातें बड़ी पसंद आई हैं। फिर जैसे नीलम ने लाया स्टेज नू करंट, ला के गिद्दे नू फरंट ही नो। तो जैसे आयजा की बड़ी अच्छी लाइन थी कि आयजा ने कितना मेकअप अर्जेंट, तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं मुझे बहुत ट्रेंडिंग लगे। अच्छा सीसी जी, ये कहिएगा आपकी बेटी भी माशाल्लाह फर्स्ट टाइम आई थिंक आपके गाने में आई है ऐसे मेन लीग पे, तो नहीं फराल तो सबके साथ ही इत्तेफाक से आ गई। हाँ, हाँ। फराल का जो खैरा एक सॉन्ग है उसमें मेरा बचपन शूट किया है फराल के ऊपर, और वो आप बताएंगे जब लॉन्च होगा, अभी कुछ राज नहीं खोलेंगे। वो मेरा एक गाना है खैरा, वो उसके बाद हम शाला लॉन्च करेंगे जो मैंने मानसेरा में शूट किया है, शाला के बाद फिर हम लॉन्च करेंगे खैरा जिसमें फराल मॉडल है, और इतना मेरे दिल के करीब है वो गाना भी, क्योंकि उसमें मेरा बचपन दिखाया है इसको, और गांव में और इस तरह मतलब अमीर लड़का है, बच्चा है, दोस्त है इसका, ये छोटी है और बच्चे आपस में खेलते हैं, तो उनके माँ बाप को पसंद नहीं है कि फराल गरीब है तो क्यों खेल रहे हैं उसके साथ। तो इस तरह का स्टोरी ट्रैक है, तो थोड़ा सा बीइंग एन एक्ट्रेस मैंने उसमें एक एक्टिंग का एलिमेंट भी फराल का शो किया है, तो दैट गोना बी द ब्लास्ट आल्सो इंशाल्लाह। अच्छा आपने काम किया गाने में, डांस भी किया और एक पूरी टीम के साथ काम किया, गर्मी तो नहीं लगी? नहीं, असल में हमारा प्लान नहीं था कि हम लोग, मुझे भी आऊँ, मैं तो बस आगे की मामा गाना शी इज़ मेकिंग हर शादी सॉन्ग फर्स्ट टाइम ऑफ हर ओन। तो फिर मैंने सोचा मैं, तो फिर जो डायरेक्टर थे डेविड भाई, उन्होंने मुझे पुश कर दिया तो मैं स्टेज में आ गई। तो फिर मैंने लाइक कोशिश की मैं जो भी कर सकती, फिर जब मैं सिनेमा में देखा मैंने बोला हो आप इतनी एनर्जेटिक है, आपके अंदर इतनी जो है वो पॉजिटिविटी है और इतनी हिम्मत है, आप मुझे तो लगता है आप फ्यूचर में अपनी मामा की आप मैनेजर रखेंगी। दोनों एक दूसरे नहीं, ये मेरा चला रही होती इंस्टाग्राम, मैं ये और मैं इसका चला रही हूँ। कभी आगे पे आ गया, कभी पीछे पे आ गया, कभी आगे। ये चाचू है आपके, ये भी बहुत अच्छे हैं, ये सारी जिंदगी हम जब जब कुछ लॉन्च करते हैं या कोई अच्छा काम करते हैं आप भी हमारे गाने में वो भी है ना, जो भी मामा ने बताया खैरा। जीनत पर कई बार काम किया, जीनत के बारे में तो मैं बताऊंगी, देखे वही मैं बात कर रही थी थोड़ी देर पहले कि लड़कियां डिप्रेशन में चली जाती हैं अगर ओवर वेट होती है। ओवर वेट होना बुराई नहीं है, आप बहुत ज़्यादा सूख जाते हैं तो वो भी बुराई नहीं है, आपकी मर्जी है, आपकी बॉडी आप मालिक हैं, आप जैसा उसको हैंडल करें, मगर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। और आप ये देखें जीनत इसलिए खूबसूरत लगती हैं क्योंकि वो कॉन्फिडेंस है, और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इतना हाई है कि शी कैरी हर कॉन्फिडेंट एवरीवेयर, एंड शी डू हर मेक ओवर, शी इज़ अ मेकअप आर्टिस्ट ऑल्सो, शी ग्रूम पीपल, शी गिव क्लासेस, एंड देन ऑन टॉप अब तो ये एक्टिंग में छा रही हैं। अच्छा जीनत, आप हमेशा बैक ऑफ कैमरा गई हैं और अब आप जो है कैमरे के आगे भी आना चाह रही हैं, बड़ी स्क्रीन पे डायरेक्ट आपकी, आई थिंक सनक मूवी भी इनकी आ रही है। अच्छा। तो बिल्कुल सनक मूवी पे भी हमने उनकी प्रमोशन पे मुझे आपको कैसा लगा गाने में काम करके? मूवी में भी किया मगर मूवी से भी ज़्यादा मुझे बेस्ट जो लगा वो इस गाने में लगा, जो फिज़ा का प्यार मिला और जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, जो चीज़ें मुझ में ख़राब थी वो ये ठीक कर रही है। मैं बताती हूँ ख़राब और ठीक का मसला भी आज ही बड़ी वायरल शायद वीडियो बन जाए। ख़राब और ठीक का मसला ये था कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने जीनत को शायद अपनी पब्लिसिटी के प्लेटफॉर्म के लिए बहुत यूज़ कर लिया, और अपने टिकटॉक के प्लेटफॉर्म्स के लिए, अपने नाम बनाने के लिए, मगर किसी ने ये नहीं देखा कि ये भी एक औरत है, ये भी एक लड़की है,
इनका भी घर है, इनके भी पीछे फैमिली है, अच्छे बुरे नामों के साथ इनको जोड़ दिया गया और इनकी पीछे स्टेटस को नहीं देखा। वही मैं बात करती हूँ, किसी के ज़ात के साथ खेल के किसी की इज्जत को बदनाम नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम जजमेंटल हो जाते हैं बहुत से लोगों के लिए, तो प्लीज़ जजमेंटल ना होइए। जब आप किसी से पर्सनली मिले तो आपको पता चलता है। तो मुझे अल्लाह ताला ने मिलवाया इनसे, भले मेरे प्रोजेक्ट के थ्रू, बट आई सीम्स के बहुत अच्छे हार्ट की, बहुत काइंड हार्ट की, और इनको नहीं पता चलता कौन इनको यूज कर रहा है, कौन इनके नाम को यूज करके। नहीं, अब आप आ गए ना साथ, अब नहीं होगा जी, अब आप अब नहीं होगा, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि मुझे सब समझाते हैं। आपको एक पुश चाहिए होता है, आपको एक साथ चाहिए होता है। अब ये किसी से यूज नहीं होंगी, अब इनके नाम को कोई खेलेगा। आपको जब केक करवा रहा था डायरेक्टर डांसिंग की, तो आपको थक गई होंगी, तो कैसा आपका जो स्कैमर था, जो आपका स्कैमर था, जो कोरियोग्राफर था, डेविड भाई बताएंगे कि मैं थकी हूँ या नहीं थकी। मैं बात बताती हूँ, हमारे पास सोनू डेंजरस भी थे कोरियोग्राफर इस गाने में, हाँ, मगर सोनू भाई जब आए ना, और क्योंकि उस्ताद हैं सबके, डेविड भाई डायरेक्टर भी हैं, कोरियोग्राफर भी, इन्होंने बेस्ट फिल्म्स के गाने जो है वो कोरियोग्राफर किए हुए, तो जब वो आए तो अपने गुरु को देख के वो साइड पे बैठ गया, और उनको ये पता था कि इनका डांस जो है वो टैलेंट वो सिर्फ ये निकलवा सकते हैं। तो बताइए ना आप कैसा हुआ, और नहीं ये एक बात तो है, ये मेहनत इन्होंने की, इन्होंने मेरे साथ अपने काम को अच्छे तरीके से, बिल्कुल ये नहीं देखा कि हम लोग डांस नहीं कर पा रहे, पर इन्होंने अपनी मेहनत को जारी रखा। किसी जगह पे ये नहीं देखा कि आप डेविड भाई मुझे छोड़ दें, नहीं, ये इन्होंने हमें हमारे साथ ही खड़े रहे, इनकी मेहनत, ये फनकार है, ये आर्टिस्ट है। अच्छा, मैं बाकी कास्ट से भी जो है आपको मिलवाना चाहूँगा जी, जी बाकी कास्ट को मिलवा रहा हूँ जी, इस गाने की जो बाकी कास्ट हैं, जो मॉडल्स लड़कियाँ हैं, बड़ी बड़े प्यारे प्यारे चेहरे यहाँ पे मौजूद हैं, आइए इनसे पूछते हैं इनको काम करके कैसा लगा। ये मानसेरा से हैं, ये खूबसूरती असल जैसे मानसेरा की मशहूर है, ये आई ही मानसेरा से, और ये क्वीन के खानदान की है, जो मानसेरा की रियल क्वीन है, उनकी फैमिली की बच्चियां हैं, जरा इनसे पूछे फिर ये लाहौर में क्या करेंगे। तराश के लेके आई है फीजा जी के लिए स्पेशल, वहाँ से आई है। बताइए ना, आपने आयजा का कैरेक्टर कैसा? हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था, और ये माशाल्लाह मेरा पहला प्रोजेक्ट ही फीजा अली के साथ था, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इनके साथ काम करके। कोरियोग्राफी मुश्किल तो नहीं लगी आपको? वो डेविड भाई बताएंगे मेरे बारे में। डेविड पहले आपने नहीं किया कोई डांस? कभी भी नहीं किया, कभी भी नहीं। और आपको पता है कि जैसे मानसरा के लिहाज से इस चीज़ों को ज़्यादा देखना पड़ता है, लेकिन ये है कि बड़ा मज़ा आया मुझे, इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा अच्छा था, बिल्कुल फैमिली की तरह था, तो हम लोगों को बिल्कुल ऐसा फील ही नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा हमने इन्जॉय किया। अगर अच्छे प्रोजेक्ट होंगे, ऐसे ही प्रोजेक्ट होंगे तो लाजमी अच्छे प्रोजेक्ट तो आजकल मिलना बड़ी मुश्किल है। लेकिन फिजा की का दौर अच्छा था। हाँ जी यार, इस बाकी वाओ, जैसे आपकी पर्सनैलिटी है, वेडिंग सॉन्ग तो आप बहुत कम लाइक करते होंगे, आपको ज़्यादा पार्टी में होंगे? हाँ होता तो मोस्टली ऐसे ही है, लेकिन ये है कि गाना बहुत अच्छा था, और मतलब शादियों वाला था, फन वाला गाना था, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। क्या 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? 10 में से 8 रेटिंग। हाँ अच्छा, तो क्या आपके आगे कोई गाने आ गए हैं, हम देखेंगे? नहीं नहीं, बेसिकली आई एम मेकअप आर्टिस्ट, तो मेरा मेकअप से रिलेटेड काम है। आप तो मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप तो हमें पता है, आप जीनत बख्त के साथ होके हैं उनका सारा मेकअप आप ही मैनेज करके हैं, आप के क्या आगे फ्यूचर में हम आपको किसी गाने में देखना चाहें तो होगा? शायद या शायद ना, अभी कुछ कह नहीं सकते। थैंक यू।